सूरजलाल साहू जी और मंच में विराजमान सभी हमार अधिकारीगण, कर्मचारीगण, और आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमार अभनपुर क्षेत्र के सभी हमार देव तुल्य कार्यकर्ता बंधुगण, अन्नदाता किसान बंधुगण, भाइयों बहनों और मीडिया के मित्रों, आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 25 दिसंबर है, हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी का जन्म दिवस है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाते। मैं सबसे पहले आप मल्ला ये सुशासन दिवस के बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमार जब 15 साल की सरकार रही से छत्तीसगढ़ में, डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो 2 साल के बोनस हम नहीं दे पाए रहे वर्ष 14-15 और 15-16 के। और हमार मोदी की गारंटी में हम वादा करे रहे छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान मन से कि हमार सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के, तो 2 साल के बोनस लहमन देबो। और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते पूरे छत्तीसगढ़ के जनता ला, छत्तीसगढ़ के किसान मन ला ये बताते हुए हर्ष हो थे कि आज अभी हमन छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 2 साल के बोनस के राशि अभी अभी ट्रांसफर करे हन, करीब 3700 करोड़ रुपया राशि ट्रांसफर हुई से। अभी कुछ जिला के हमार कार्यकर्ता मन से बात होत रही से, उमन के खाता में पैसा चल गई से बोनस के, तो ऐसे 12 लाख से ज्यादा जो किसान वो सब के खाता में, जो भी बैंक में उमन के खाता है उन्हें बोनस के राशि पहुंच गई से। तो ऐसे सभी किसान ला मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उमन तो सोचे रही न हुई कि पैसा तो डूब गई, लेकिन आज उमन ला अचानक बड़े बड़े राशि मिला थे। कोई कोई किसान ला 2-2 लाख से ज्यादा के राशि बोनस के रूप में 2 साल के मिला थे, तो बड़ा खुशी किसान मन में है। तो बंधुओं, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बात ला कथे वाला करते, करनी और कथनी में एक रूपता होते, और इसलिए आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के जनता मन के विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में बढ़े हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के ऊपर में बढ़े हैं। हमन हमार डिप्टी सीएम बतात रहिन कि 13 तारीख ला हमन शपथ लहन और 14 तारीख ला ही पहला कैबिनेट के बैठक करके, जो चुनाव प्रचार के दौरान हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी छत्तीसगढ़ के जनता मन से वादा करे रहिन कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका पहला काम होगा कि 18 लाख गरीब लोग जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं, उनका हक छीना गया है, वो 18 लाख आवास
स्वीकृत करने का काम करेगा और 14 तारीख के पहला कैबिनेट में ही हमने निर्णय ले लिए हैं कि जो 5 साल मकान नहीं रहने के कारण कोई कोई व्यक्तिमान मकान तोड़ के एक किस्त मिली तो काम शुरू कर दें, लेकिन अगला दूसरा किस्त तीसरा किस्त नहीं मिली और बेघर हो गई, कोई कर्जा और जल के बनवादारिन और कोई आज तक भी बेघर हैं, तो ऐसे किसान ऐसे गरीब मन के 18 लाख मकान के स्वीकृति हमन पहला कैबिनेट में ही दे दे हैं। और आज दूसरा वादा ला पूरा करे हन, जो दो साल के 12 लाख से ज्यादा किसान के बोनस के राशि रही ओलावन के अकाउंट में ट्रांसफर करे हन। मैं आप मल्ला मुख्यमंत्री के नाते विश्वास दिलात हूं कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमन छत्तीसगढ़ के जनता से करे हन वो एक एक वादा 5 साल में पूरा करबो, एक एक वादा, एक ठन वादा पूरा नहीं हुई ऐसा बात नहीं, पूरा के पूरा जो वादा हमन करे हन मोदी की गारंटी में वो सब वादा ला 5 साल में हमन पूरा करबो। हमन वादा करे हन कि जो विवाहित महिला है उमन के खाता में हर महीना 1,000 रुपया, साल में 12,000 रुपया महतारी बंधन योजना में जाए, ओकर लिए भी हमन अनुपूरक बजट में पैसा के प्रावधान करे हन। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ी, हमारे से विवाहित माता जी मन के खाता मन में भी साल के 12,000 रुपया जाही। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो गैस के कार्डधारी हैं, पिछले 5 साल में मला गैस सिलेंडर भी नहीं मिली, तो गैस सिलेंडर देहे के काम भी करबो और 500 रुपया में मला गैस सिलेंडर देहे के काम भी करबो। जो गरीब भूमिहीन मजदूर हैं गांव में उमला 1 साल में 10,000 रुपया देह के काम हमर भारतीय जनता पार्टी के सरकार हर करी। 1 लाख के 2 लाख के पद है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में, हमारे सरकार प्रयास करी कि आने वाला समय में पूरा पारदर्शिता के साथ वो 1 लाख के नौकरी में भर्ती हो, ताकि हमर बेटा बेटी बन जो पढ़ लिख के आज गांव में बेकार हैं घूमत हैं मन के नौकरी लगे। आज तेंदू पत्ता एक अति पता नहीं होते कि नहीं, हमार जसपुर रायगढ़ तरफ खूब होते तेंदू पत्ता, जोनला हरा सोना हमन कथन। आप ला मालूम हुई कि 15 साल के सरकार में हमन 15 दिन तेंदू पत्ता के खरीदी करत रहें और 2,500 रुपया प्रति मानक बोरा, साथ में चरण पादुका योजना, स्कॉलरशिप की योजना, साड़ी देहे की योजना, बीमा की योजना, तेंदू पत्ता संग्रह कुछ हो जाए तो मतलब बीमा के भी प्रावधान रही से, लेकिन कांग्रेस के सरकार में सबला खत्म करके 4,500 प्रति मानक बुरा तो कर दी, लेकिन सिर्फ 2 दिन खरीदी होती से, दो दिन में गरीब मन तेंदू पत्ता बेच नहीं पात रही ने। अब हमन के वादा है कि हम 15 दिन तेंदू पत्ता खरीदो 5,500 मानक बोरा के हिसाब से, और जो भी योजना रही से चरण पादुका साड़ी देह के स्कॉलरशिप के, वो सब सारा योजना यथावत फिर से चालू हो ही। आयुष्मान भारत कार्ड में जो हमार यशस्वी प्रधानमंत्री 5 लाख की व्यवस्था करे रहीन, वो व्यवस्था भी ये पिछले 5 साल में बंद हो गए रही। अब आप मतलब बताते हुए मोला ये हर्ष होते कि अब वो 5 लाख के जगह आयुष्मान भारत कार्ड में
दस लाख के व्यवस्था हुई, दस लाख के। अब हमार गरीब मल्ला बड़े बड़े बीमारी हो जाही, तब भी कोनो से ऋण पैसा कोई खेती बाड़ी बेचे के जरूरत नहीं पड़ी, दस लाख के व्यवस्था बीमारी के इलाज पर हुई। तो इस तरह से जो भी हमन 19-20 वादा करे हन मोदी की गारंटी में, वो एक एक वादा हमन पूरा करबो। और आज 25 दिसंबर है, सुशासन दिवस के और भी कई कार्यक्रम में जाना है, इस और में ज़्यादा नहीं कहते हुए अभी हमर किसान बन के मांग आत रही की धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदे के ऑर्डर होगी से 3100 रुपया प्रति क्विंटल भी हमन धान की कीमत देबो। लेकिन धान के खरीदी के समय बढ़ाए के बात करत रही, तो आवश्यकता पड़ी तो निश्चित रूप से हमन धान खरीदी के समय ला बढ़ाबो, किसान के धान ला पूरा खरीदबो। एकर ले आप मन ला कोई चिंता करे के बात नहीं है। और मैं अंत में आप मन ला ये फिर से आश्वस्त करते हुए कि जो भी मोदी गारंटी में हमन वादा करे हन, आप मन से छत्तीसगढ़ के जनता से वो हर वादा ला आने वाला 5 साल में पूरा करबो। और आज जितना जो 12 लाख से ज़्यादा किसान मन के खाता में 2 साल के बोनस गई से, ऐसे सभी अन्नदाता किसान बंधु मल्ला बहनी मल्ला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए, और आपन भारी संख्या में आज के कार्यक्रम में आए हो, आपन के धन्यवाद करते हुए मैं अपन बात ला यही समाप्त करत हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब ये बेरा है जब बोनस के सर्टिफिकेट के वितरण होही, और सबले पहली हमन आमंत्रित करत हन ये हितग्राही मनला जे मनला 2 वर्ष के बोनस प्रमाण पत्र के वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होने वाला है। हम यहाँ मंच से नाम लेवा था बेंद्री के। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर किसानों को सीएम विष्णुदेव साय की बड़ी सौगात, क्योंकि धान बोनस राशि वितरण समारोह में इस वक्त वो बोल रहे थे। और उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी की गारंटी को पूरा किया जाएगा, सभी गारंटी पूरी होंगी। और यह जो किसानों को बोनस दिया जा रहा है, उसका एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, जहां पर किसानों को बड़ी सौगात बोनस के रूप में उनको दी जा रही है। आप देख सकते हैं मंच पर इस वक्त मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं और अपने हाथों से वो प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं उन लाभार्थी किसानों को। और औपचारिक रूप से कुछ एक सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएंगे और बाकी किसानों के खाते में रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए वादों, मोदी की गारंटी को पूरा करने की बात एक बार फिर से उन्होंने दोहराई मंच से। और एक बड़ी सौगात सुशासन दिवस पर, ये बड़ी सौगात सुशासन दिवस के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आज के इस जन्मदिन को मनाया जा रहा है, और सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसे मनाती आ रही है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर जयंती के अवसर पर यहां किसानों को बड़ी सौगात, किसानों को 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान बतौर बोनस राशि किया गया है। धान बोनस राशि के तौर पर जो रुपए दिए जा रहे हैं, उसके सर्टिफिकेट्स कुछ जो है यहां पर वितरित किए जा रहे हैं, जबकि बाकी सभी किसानों के खाते में सीधा ट्रांसफर किए जाएंगे रुपए। और यहां पर मंच पर सभी जो किसान लाभार्थी किसान हैं वो पहुंचे हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए। और अब मंच से संबोधित करते हुए खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिक्र किया किसानों का, और साथ ही साथ तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए भी आगे राह कुछ और आसान होगी, किसानों के लिए खासकर यहाँ सरलता हो, ये प्रयास लगातार इस सरकार का रहेगा। इस मंच से संबोधन में खुद विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंच से, जहां पर आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं उन सभी लाभार्थी, उन पात्र किसानों को
और 2 साल का ये बोनस जारी किया गया है। और आज के इस कार्यक्रम में जो कि किसानों के लिए विशेष रूप से एक बड़ी सौगात के रूप में यहाँ ये बोनस उन्हें दिया जा रहा है और आगे इस बोनस राशि का इस्तेमाल वो अपने किसानी के लिए, अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। और इस बीच कुछ लाभार्थी किसानों को गैस सिलेंडर्स के वितरण भी किया जा रहा है। और इसके अलावा कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते चले, जहाँ इससे पहले उप मुख्यमंत्री द्वारा भी कुछ किसानों को सर्टिफिकेट्स दिए गए थे। और यहाँ मंच पर इस वक्त मौजूद मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी मंच से किसानों को बोनस का वितरण कर रहे हैं। ये धान की बोनस राशि है जिसका वितरण करने के लिए आज का दिन चुना गया है। और आज के दिन यहाँ किसानों को सीएम विष्णुदेव साय के द्वारा सौगात दी जा रही है। और ये पहले ही जो पहली घोषणा की गई थी, पहला जो फैसला लिया गया था सरकार की तरफ से, जिसमें 18 लाख गरीबों को आवास और इसके अलावा जो किसानों के बोनस राशि को जारी करने का दूसरा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था और आज उसे पूरा कर दिया गया है। और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां मौजूद है और किसानों को चेक्स सौंप रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं और बोनस राशि के रूप में एक बड़ी सौगात इन किसानों को यहाँ पर दी जा रही है। मंच से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ये कार्यक्रम चल रहा है रायपुर में, जहाँ पर इस वक्त खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो नवगठित सरकार है, साथ ही साथ इस आज के खास मौके पर कि आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस है और आज के दिन 25 दिसंबर के दिन सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी देश भर में आज के दिन को मनाती है। ऐसे में आज का दिन बोनस की राशि का वितरण करने के लिए चुना गया था। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात का ऐलान किया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद, कामकाज संभालने के बाद उन्होंने पहली प्रेस वार्ता की थी। उस प्रेस वार्ता में उन्होंने ये ऐलान किया था जिसमें कि उन्होंने बताया था कि सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया उसमें 18 लाख आवास के साथ साथ किसानों को बोनस राशि वितरण करने का फैसला लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये रायपुर से, जहां किसानों को सीएम विष्णुदेव साय ने धान बोनस राशि का वितरण किया है, चेक्स सौंपे जा रहे हैं। इससे पहले सर्टिफिकेट्स दिए गए थे कुछ माताओं, कुछ बहनों को, यहां पर गैस सिलेंडर भी दिया गया है। तो अलग अलग जिनके रुके हुए योजना के लाभ थे उन्हें यहां पर देने का प्रयास, और जिसमें कि जो सर्व प्रमुख है वो किसानों के धान की बोनस राशि है, जिनका बोनस राशि का वितरण मंच पर किया जा रहा है। और यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोनस राशि वितरित कर रहे हैं। और तस्वीरें रायपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, सरकार के द्वारा जो ऐलान किया गया था सरकार बनने के बाद पहली प्रेस वार्ता में, आज उसे पूरा किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक प्रतीकात्मक रूप से जो चेक है वो सौंपा जा रहा है और इसके साथ साथ खुद मुख्यमंत्री उन लाभार्थियों को ये चेक सौंप रहे हैं। इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट्स, प्रमाण पत्र जारी किए गए थे जो कि किसानों को धान के बोनस के रूप में राशि जारी की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर एक बड़ा कदम किसानों के हित के लिए उठाया गया है और साथ ही साथ इस वादे के पूरा होने के साथ अब किसानों में भी एक जो सकारात्मकता है वो बढ़ेगी, सरकार के प्रति जो विश्वास है वो बढ़ेगा। और चूँकि अपने संबोधन में खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी की जो तमाम गारंटीज़ हैं उन गारंटीज़ को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार की तरफ से गारंटी पूरी की जाएगी, मोदी गारंटी को पूरा करने का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही और सभी गारंटी को पूरा किया जाएगा। इस बारे में खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोल रहे थे। और अब कार्यक्रम लगभग समापन की ओर, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धान बोनस राशि का वितरण कार्यक्रम यहाँ पर किया गया था सुशासन दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी किसानों को यहाँ ये राशि वितरित की गई है। और सुशासन दिवस के अवसर पर बड़ी सौगात किसानों के द्वारा दी गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने सर्टिफिकेट जारी कर उन सभी लाभार्थी पात्रों को ये बोनस राशि वितरित की है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से न सिर्फ मोदी गारंटी बल्कि उसके साथ साथ अपने सरकार के उस फैसले को लेकर प्रतिबद्ध नजर आए। और बढ़ते हैं आगे।